शीट नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट। 4 में एक ऑटोमोबाइल है मूविंग हॉरिजॉन्टल रोड स्पीड ऑफ वी, ये रहा वी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, शो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। वो कह रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू जी, ये प्रूव करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रिटार्डेशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिटार्डेशन की वैल्यू इसमें क्या होगी, ये होगी। आप इसमें अप्लाई करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो इसके अंदर 0 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इज 2 इंटू रिटार्डेशन कितनी है, माइनस म्यू जी म्यू इंटू जी इंटू एस, एस निकाल लो, प्रूव हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहां तक यही प्रूव करना है, इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में अभी यही एग्जांपल दे रहा था मैं आपको इस क्वेश्चन का याद करके, कि इसकी वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, ये स्टॉप हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो, 10 मीटर डिस्टेंस है। शो दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन, यानी कि फ्रिक्शन 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल है, ये प्रूव करना है। अब क्योंकि वेलोसिटी इसमें क्या हो रही है, स्लो, रिटार्डेशन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करेगी इसमें, रिटार्डेशन। एमसीएम कैंसिल, तो ए की वैल्यू माइनस, तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे क्या आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, फोर्स की, रिटार्डिंग फोर्स की। तो ऐसा करें, इसको ऐसे ना करें, इसको ऐसे करें, रिटार्डिंग जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसमें वो क्या होगी इसमें एम में, हाँ वो ऐसे भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी तो है। अगर मैं ए बता दूं आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन में, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर ए रिटार्डेशन इनटू 10, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -49 डिवाइडेड बाय 20, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 49 डिवाइडेड बाय 20 ये आएगी। तो अगर आप एम जी बाय 4 करो, तो एम जी बाय 4 में एम बाय 4 इंटू जी का मतलब 10, तो 2 point something आंसर है, 2.5, इसको डिवाइड करेंगे चेक करो, वो भी अप्रॉक्सिमेटली 2.5 के आसपास ही आ रहा है, तो यानी कि आंसर एग्जैक्टली क्या आ गया दोनों का, सेम। सर इसमें यहाँ पे ए का साइन माइनस ही लेना चाहिए था जो आपने ऊपर लिखा, जीरो स्क्वायर माइनस वेट का मैग्नीट्यूड है ना, वेट नेगेटिव नहीं होता, नहीं ऊपर जो आपने एक्सप्रेशन लिखा जीरो स्क्वायर माइनस सेवन स्क्वायर उसमें उसमें जो ऊपर साइड में ऑटोमेटिकली नेगेटिव आया ना। अच्छा ऐसे ले लो, ए नेगेटिव लेके इसको करके पुट कर रहे हैं, ऐसे कर लो कोई बात नहीं, वैसे ए जो निकालना होता है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव के साथ है, उसमें पुट नहीं करना होता। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, और क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 9 में, और 10 में, बस इतना ही करना है, 9 और 10 बस। ठीक है, आपका नेक्स्ट होमवर्क ऑब्जेक्टिव शीट्स, ऑब्जेक्टिव शीट्स मिली होंगी आपको, जाते नहीं ऑब्जेक्टिव शुरू नहीं की, ऑब्जेक्टिव फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन के अंदर दे देता हूँ, बाहर पढ़ी है, फ्रिक्शन की ऑब्जेक्टिव शीट्स का होमवर्क है आपका नेक्स्ट टाइम। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 17 जो अभी दूंगा मैं आपको, इसके सारे न्यूमेरिकल करने हैं एक्सेप्ट 12 एंड 14, ये होंगे नहीं, ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स ही होंगे अभी आपसे। ठीक है, 12 एंड 14, फिर आपने 18 शीट तो सारी ट्राई करनी है, 18 बस इतना ही कर लो, दो शीट्स।